इसमें ना कोई पेट्रोल डीजल आवे गिर। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस दिन की शुरुआत हो गई है और आज सुबह सुबह उठे तो क्या देखा, ये देखिए बारिश हो रही है। अभी तो फिर भी बहुत कम हो गई है, लेकिन जब सुबह उठे थे तो उस टाइम बहुत ही तेज़ बारिश थी और अभी फिलहाल धूप निकली और दैट इज़ द रीज़न कि मुझे तो सर्दी जुकाम रात से ही हो गया और रात को भी दवाई ली थी और सुबह भी मैंने दवाई ली जुकाम की, सर्दी जुकाम की। सर्दी जुकाम वैसे नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ एलर्जी। मेडिसिन तो मैंने ले लिया है और ठीक भी है पहले से, अभी उतना नहीं जितना कल शाम को मेरे को था। सो गाइस फिलहाल दिन की शुरुआत करते हैं और बाकी काम थोड़े बहुत हो गए हैं, थोड़े बहुत पेंडिंग है। फिलहाल बैठे हैं चाय के लिए, द टी इज रेडी, दलिया भी हमारा तैयार है। दलिया जो होता है बहुत ही पौष्टिक आहार होता है, दलिया में कहते हैं बहुत ज्यादा ताकत होती है। किसी भी तरह के सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर दलिया लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। फिलहाल हम लोग शुरुआत कर लेते हैं और थोड़े से ब्लॉग वगैरह भी देख लेते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द दोबारा। और जैनेट देखिए उठ चुकी है, लेकिन यहाँ से बेड से नहीं उठ रही है। नहीं उठोगी? गाइस ये कह रही है कि बारिश में नहाना है और आपको तो पता ही है जो बेमौसम की बरसात होती है वो कितनी डेंजरस होती है। बताओ इस लड़की को, कमेंट करके बताओ ताकि ये जिद ना करे। क्यों जिद कर रही हो? फिलहाल इनको भी उठने देते हैं। सर एक छोटा सा इंटरव्यू, क्या कर रहे हो? ये बच्चा भी छुप गया, ये बच्चा भी छुप गया। आहान ये क्या है, दांत निकल आए थे तो तुम्हारे? अरे राक्षस चला चला चुगिया। अरे ये तुम कहाँ से ले आते रोज? जाने रे क्या है, लकड़ी की क्या है तुम बोलते है ना, लकड़ी की काठी नहीं है, पहले पहले बोलती थी ये लकड़ी की नहीं है। इतना मजेदार है ना, बच्चे ऐसे बैठ के धड़ाम धड़ाम उछल। चलो उछल के दिखाओ, जरा उछल के दिखाओ। ये है फ्री का वाहन, इसमें ना कोई पेट्रोल डीजल आवे गिर। घोड़े ने गिरा दिया तुम्हें? आधुनिक आधुनिक वाहन है, इसमें हवा का मैं लगता है। और ये क्यों रहा है गधे, जब हवा से हवा भरवा ले इसमें फूट ना जाए। हवा बाबा को पता लग जाएगा, जा चेन में ना बाबा। सो गाइस फिलहाल मैं आया हूँ लॉबी में, यहाँ पर अपने शूज वगैरह की आज क्लीनिंग करेंगे। काफी टाइम हो गया, जो भी एक्स्ट्रा है उनको वहाँ से हटाया जाएगा और देखता हूँ इनको पीछे गेस्ट रूम में रख देता हूँ। मेन तो मैं दो या तीन शूज ही पहनता हूँ तो उन्हीं को मैं यहाँ पर रखूंगा, और या फिर ऑर्गेनाइज हो जाएगा एक ही जगह में सब आ जाएगा तो यहीं रहने दूंगा। वैसे तो आ जाएगा, सारे अभी भी है ही इसमें, एक बार ज्यादा कुछ नहीं छेड़खानी करूंगा। यहीं बैठ जाते हैं, शूज वगैरह सब साफ कर लेते हैं अच्छे से, बाकी पॉलिश वगैरह बाद में कर लेंगे। तो ये हमारे मरीन शूज हैं जो पानी में बीच पे या फिर स्विमिंग पूल में पहन के जाते हैं। डैडी। हाँ बेटा। अरे शूज पहन ली तुमने? अरे बाप रे। कितने बड़े शूज पहने हान ने। चलो उतार दो, गिर जाओगे नहीं तो। तो गाइस देखिए शूज वगैरह मैंने साफ कर लिए हैं, अब एक बार शू रैक भी क्लीन कर लेते हैं क्योंकि तो इसमें है असली मिट्टी, तो बाकी तो सब साफ है। देखिए एकदम चमक गया, ये वगैरह धूल है, एकदम सब नीट एंड क्लीन हो गया, इसमें मिट्टी है असली। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिविटी। देखिए एकदम चमक गया है, मिट्टी सब हट गई है। तो मेन तीन रैक है मेरे पास शूज रखने के लिए, क्योंकि बाकियों में तो मैंने सामान रखा है छोटा मोटा। मेन शूज जो मैं डेली यूजेज में पहनता हूँ उनको यहाँ लगा देते हैं। मरीन शूज ये भी इधर ही लगा देते हैं, बहुत टाइम से ये हाई नेक है तो हाई नेक नहीं पहनो इसको, फिलहाल यही लगाऊंगा। तो ये अपना नीट एंड क्लीन एकदम हो गया है, बहुत ही साफ करके। सो गाइस अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो ये जो मेरे शॉर्ट्स हैं ये थोड़े से टाइट लग रहे हैं मेरे को, एक्चुअली मैं टाइट ले आया था गलती से, लाने नहीं थे। तो अभी मैं लेके भी गया, जैसे आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा भी होगा ना, मैं लेके भी गया था कि इनको मेरा बड़ा कराना है, लेकिन टेलर ने तो मना ही कर दिया कि नहीं करके देंगे। तो नाउ आई हैव नो ऑप्शन कि मैं खुद कुछ करूँ, जब किसी से नहीं हो रहा है तो अपने को ही करना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना ये सुई धागा लेके बैठ गया हूँ। अभी मैं इसमें क्या करने वाला हूँ देखिए, तिकड़म बताता हूँ आपको। ये देखिए बटन जो है, बटन इतना पीछे है, वही
ही करने वाला हूँ फिलहाल। सो गाइस दोपहर का वक्त हो गया है और फिलहाल हम लोग खा रहे हैं खाना और आहान देखो टीवी देखने में लगा हुआ है। मैं इससे रिमोट मांग रहा हूँ कि भाई रिमोट दे दे, तो रिमोट मेरे को दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहे मेरे को रिमोट? मैं क्योंकि देखूंगा। बेटा पूरा दिन यही देखते हो? पूरा दिन छिन-छिन पिन-छिन देखूंगा मैं। क्या देखोगे? छिन-छिन पिन-छिन। वो क्या होता है? तो चलो गाइस इसको देखने देते हैं, फिलहाल कोशिश करते हैं अगर देगा रिमोट तो अच्छी बात है। सो गाइस शाम होने वाली है और मैं फिलहाल बैठा हूँ हॉल में, और यहाँ क्यों बैठा हूँ क्योंकि जैनेट और आहान तो अपने रूम में सो रहे हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पर एडिटिंग कर लेता हूँ बैठ के आराम से। तो फिलहाल देखिए मैं अपने एडिटिंग में बिजी हूँ, आराम से रिक्लाइनर पे लेटे भी हुए हैं और अपने आराम भी करेंगे। एक्चुअली सीधे बैठ के ना कमर में दर्द होने लगता है, मतलब ये जो गर्दन होती है ना सबसे ज्यादा दर्द यहाँ पर होता है कंप्यूटर में काम करने में। तो दिस इज द बेस्ट प्लेस, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं, कोई आवाज भी नहीं। तो फिलहाल देखिए आराम से बैठ के अपने एडिटिंग कर रहे हैं और टाइम बिता रहे हैं। और उधर बन रही है देखिए चाय किचन में, देखेंगे तो उधर जैसिका बना रही है चाय, थोड़ी देर में चाय पियेंगे यहीं बैठ के पियेंगे। जैनेट और आहान भी शाम तक उठ जाएंगे तो उनको भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फिर सारी गतिविधियां शुरू होंगी, शैतानियां शुरू हो जाएंगी, हलचल शुरू हो जाएगी। उससे पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि अपना काम निपटा लेता हूँ, 4:15 बजे मैं डॉग्स को खाना देने में भी जाऊंगा। तो फिलहाल काम करता हूँ क्योंकि कब टाइम बीतता है, कब टाइम उड़ जाता है ना पता भी नहीं चलता है, रात हो जाती है फिर सोने का टाइम हो जाता है। इन सबसे पहले ही कोशिश करता हूँ काम निपटा लेता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और बहुत जल्दी। सो गाइस मैं फिलहाल, हाँ बेटा ये बाइक अच्छी लगती है ना? ये बाइक हाँ छिन-छिन चला रहा था। कौन चला रहा है? छिन-छिन। छिन-छिन नाम है? हाँ। छिन-छिन नाम है इसका, छिन-छिन 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 नहीं हाँ छिन-छिन बाइक चला रहा था। अच्छा आपको अच्छी लगती है बाइक ये? हाँ। अच्छा चलो अच्छी बात है, इतना सारा आ गया आहान का खाने का है। सो गाइज एडिटिंग मेरी हो गई है और पोस्ट भी कर दिया है, फटफट काम बचे हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर फ्री होके बाद। इतनी बड़ी बॉल से खेलोगे? हाँ इसे बैठ के जंप करके दिखाओ। बॉल फेंक देगी दूर। दूर सर फट जाएगा। अरे बॉल फेंक देगी तेरे को, बॉल फेंक देती है धक्का मार के। आराम से कहीं लगना जाए। खोलो ऐसे ले ऐसे। सो आज अभिनव के कैमरे से हम शूट कर रहे हैं बच्चे। ये देखिए गाइस कौन सो रहा है। और ये जैनेट और आहान ने स्लाइड लगा ली अपना। तो जैनेट और आहान आ गए कंपाउंड में, यहाँ पर इनकी शैतानी चालू है। तो देखो इन्होंने यहाँ पर अपना स्लाइडर बना लिया और नीचे लगना जाए इसमें देखो मैट में जाए। बिनी कह रही बच्चा आएगा। बेटा लग जाएगी ऐसे मत खेलो। बार बार आहान आहान धीरे तलवार बाजी खोल दिया मैं जीतू की जोकर कहीं का धक्का नहीं जैनेट मैं जीतू की जोकर जोकरी बंदा जोकर अटक गया ना उसके अटक गया। सो गाइस रात का वक्त हो गया है और अभी वक्त है सोने का, ये लोग तो ऐसे ही खेलते रहेंगे। अभी तो फिल्म देख रहे हैं। हाँ फिल्म देखेंगे, फिलहाल हम लोग फिल्म देख रहे हैं, ये लोग सोएंगे अभी थोड़ी देर में। फिर गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिल सके सारे वीडियो सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।